आपको शेयर हो रहा है स्क्रीन शेयर हो रही है ये सर आप वो अगले में ये सो हेलो एवरीबॉडी वी हैव अ लेक्चर ऑन इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म तो so, um, so, आपके पास ये स्क्रीन आ रही है ये जो अह uh, जी ट्रांस ये पावर पॉइंट की स्लाइड ये आप लोगों को नजर आ रही है पावर पॉइंट की स्लाइड सर एक ब्लैंक स्लाइड नजर आ रही है हां ब्लैंक कीजिए ब्लैंक ब्लैंक श्योर तो मैं अभी इसके ऊपर टॉपिक लिख लेता हूं ये है अबाउट इनवर्स जी ठीक है बाय um, असमत ठीक है जी आई गॉट माई पी एच डी फ्रॉम बैक इन नाइन तो ये है सारी कहानी अच्छा इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म क्या है बेसिकली ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो आपको जी एक्स डोमेन से दोबारा वापस लेके आता है डिस्क्रीट डोमेन में ये देखिए ना डिस्क्रीट डोमेन है ये यहाँ पे दिस इज बेसिकली आइडिया इन इनवर्स इसको हम आमतौर पर जी रेस टू पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं तो ये एक नोटेशन है जो शो करता है कि ये इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म है तो फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट जी इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ एन ठीक है तो so अगर मैं जी इनवर्स ले रहा हूँ, एच ऑफ जी का जो कि जी ट्रांसफॉर्म है तो मुझे क्या मिलेगा मुझे इंपल्स रिस्पांस मिल जाएगा ये देखें सो सो दीज आर द काइंड ऑफ नोटेशंस दैट यू विल कम अक्रॉस ठीक है जी On इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो जी ट्रांसफार्म के ऊपर था तो उसमें यह था कि आपके पास uh, discrete time sequence होता था अब uh, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ सीक्वेंस डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस मैं फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है कंटिन्यूस टाइम के डोमेन में तो डिस्क्रीट डोमेन में वी कॉल सीक्वेंस डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफार्मी ट्रांसफॉर्म ठीक है लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है ये मैं इनको एडमिट करना चाह रहा हूं हाँ जी एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप एक्सएन को एक्स एफ जी में लेके जाएंगे आपने उसमें आर ओ सी को एड करना है रीजन ऑफ कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट I would like to remove this. तो ये आपके पास एक कन्वर्जेंस आ गया तो जब भी आप डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस से आप जाना चाहें इन टू जी ट्रांसफॉर्म में यू हैव टू कन्वर्जेंस अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ये वो जी की वैल्यूज हैं जिसके लिए आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं So ROC ROC represents those lucky Z values for which this transformation is allowed. ये आपको बात समझ आई सबको आर ओ सी क्या है एवरीबॉडी अनम्यूट करके प्लीज आंसर करें डिड यू अंडरस्टैंड द बिहाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नो सर रिपीट इट वंस हाँ मैं ये बता रहा था आपको लास्ट टाइम कि जब भी आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को जी ट्रांसफॉर्म में लेके जाते हैं तो उसमें आप जी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो ये बताया था ना आपको? से, से. तो जब आप X ऑफ n को कैपिटल X ऑफ Z में लेके जाते हो तो आपको ये बताया जा सकता है कि कौन कौन से Z आप चूज कर सकते हो तो वो जो रीजन ऑफ Z है जिसको आप चूज कर सकते हो उसको हम कहते हैं आर ओ सी उससे अलावा उस रीजन के आउटसाइड आप जी वैल्यूज को चूज नहीं कर सकते हो तो बेसिकली आर क्या है आर आपके सामने एक जी प्लेन के अंदर ये प्लेन है इसमें एक रियल जी है एक Z है इस प्लेन के अंदर कोई रीजन होगा लेट्स इनसाइड रीजन है अब इस रीजन के अंदर जो जी की वैल्यूज हैं ये आप चूज कर सकते हैं लेकिन इससे बाहर जी की वैल्यूज चूज नहीं कर सकते तो so, बिकॉज आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स एन से लेकर एक्स सी ये सिर्फ वैलिड है फॉर दिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ओनली वैलिड फॉर दिसली वैलिडी अब आपको समझ आ गई ये बात यू जी तो इसका मतलब यह है कि आपको आर ओ सी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि आप एक्स ऑफ एन को XFZ में लेके जाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे तो आप उसके लिए उसका जो स्टैंडर्ड एक फार्मूला है उसको एवेलुएट करेंगे उसमें कोई सीरीज बनेगी और उस सीरीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज सिर्फ अंडर सर्टेन कंडीशंस कन्वर्ज हो सकती है वो कंडीशन क्या है वो आर ओ सी तो जब भी आप टेबल में देखेंगे तो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कॉलम का होगा एक सात वाला कालम सेकंड कालम जो होगा वो उसका जी ट्रांसफार्म होगा और थर्ड कालम बताया होगा कि ये जी ट्रांसफार्म का आर ओ सी होगा कि ये इस रीजन के लिए इस पर्टिकुलर रीजन के लिए वैलिड है ये टेबल की एंट्रीज तो जो, जो टेबल की एंट्री ये रो वाइज दी हुई है तो आप देखेंगे आर ओ सी के साथ टेबल में सेम एक्स एन के लिए डिफरेंट एक्स ऑफ जी आएगा अगर आपने आर ओ सी चेंज कर दिया तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप बताएं मुझे कि आपने इस एक्स एन का ये एक्स ऑफ जी कंप्यूट कर लिया आपने मुझे ये भी बताना है कि इसका आर ओ सी क्या है क्योंकि अगर आप आर ओ सी नहीं बताएंगे तो आपका आंसर इनकम्लीट होगा ठीक है क्लियर नाउ कि यू यू हैव 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 एक्स ऑफ जी टू रीजन कन्वर्जेंस अब आगे चलते हैं इसको करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए तो दिस एग्जाम्पल इज अबाउट इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म

और ये आ जाएगा आपका ये देखे ना स्क्वेयर ब्रेकेट्स में आ गया ये क्या है ये बड़ा मशहूर आलम वेरी वेल नोन इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस है ये इंपल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस इंपल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस बात समझ आ गई तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया अब लेकिन आगे क्वेश्चन जरा थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन के अंदर फाइंड काजल ये देखें काजल एंड स्टेबल इंपल्स रिस्पांस वो कहता है कि आप इंपल्स रिस्पांस मालूम कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इंपल्स रिस्पांस नहीं चाहिए सिंपल एनी इंपल्स रिस्पांस नो आई वांट कि आप मुझे वो वाला इंपल्स रिस्पांस फाइंड करके दें जब आप इनवर्स करें कि वो क्या हो काजलो ओके एंड स्टेबल ये दो लव्स हैं काजल इंपल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेबल इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए काजल अब काजल इंपल्स रिस्पॉन्स कौन सा होता है अगर आपको मैं एच एफ एन दे दूं आपको कैसे पता चलेगा ये काजल है उसके लिए जरूरी है कि एच एफ एन की जो वैल्यूज हैं या एच एफ एन जब एक्टिव होता है तो वो कब एक्टिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका मतलब है कि ये राइट हैंडेड इंपल्स रिस्पॉन्स हो इसे हम अपनी जबान में कहते हैं राइट हैंडेड इंपल्स रिस्पॉन्स ये है राइट right हैंडेड इम्पल्स रिस्पॉन्स तो अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स राइट हैंडेड होगा तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है वो वो सिस्टम काजल है ये देखें काजल के लिए क्या है कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स राइट हैंडेड होना चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ स्टार्ट ही एन के से हो आगे की तरफ उसका लेफ्ट साइड नहीं होनी चाहिए उस एच एफ एन में लेफ्ट साइड जीरो होनी चाहिए तो काजल है अब स्टेबल क्या है व्हाट इज स्टेबल इंपल्स रिस्पांस स्टेबल इंपल्स रिस्पांस में ये है कि इंपल्स रिस्पांस ऐसा हो कि उसमें क्या हो कि वो डीके करता जाए वक्त के साथ-साथ ये देखें डीके करता जाए तो अगर वो डिकेइंग साइनोसाइड है फॉर एग्जांपल ये पैदा हुआ और उसके बाद ये डिके करता गया ये देखें अगर ऐसा है तो ये क्या है स्टेबल है तो स्टेबल इम्पल्स रिस्पांस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है अगर आप उसको देखेंगे तो वो डिके करेगा टाइम के साथ आफ्टर सम टाइम उसकी ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है सो इफ यू जाए ऑसिलेशन्स डाइंग विद टाइम जो टाइम के साथ डाई डाउन हो जाए उन्हें हम कहते हैं तो अगर किसी का इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा है कि वो वक्त के साथ डाई डाउन हो जाता है उसके ऑसिलेशन ठीक है तो इसका मतलब यह है कि वो इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा लेकिन अगर उसके अंदर इंपल्स रिस्पॉन्स ऐसा है कि उसके अंदर जो ऑसिलेशन है वो ग्रो कर रही है टाइम के साथ डैम्प नहीं है ग्रो कर रही है वो ऑसिलेशन अब जब मैं कहता हूं ऑसुलेशन ग्रो कर रही हैं तो ये मेरी मीनिंग नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रो कर रही है मेरा मतलब है कि उनकी एम्पलीट्यूड ग्रो कर रही है अगर वो एम्पलीट्यूड वाइज ग्रो हो रहे हैं टाइम के साथ तो एस तो ये जो इंपल्स रिस्पांस है ये ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम अनस्टेबल डिक्लेयर कर सकते हैं तो सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड इट तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों की दोनों चीजें काजल और स्टेबल इम्पल्स रिस्पांस। हम एक जी ट्रांसफार्म में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी ट्रांसफार्म का या जी डोमेन का प्रोस्पेक्टिव क्या है स्टेबल और काजल सिस्टम के लिए तो अगर मैं पोल जीरो डायग्राम देखूं तो पोल जीरो डायग्राम देख के क्या मैं ये बता सकता हूं कि ये पोल जीरो डायग्राम इम्पल्स रिस्पांस का जी ट्रांसफार्म मैंने लिया और उसका पोल जीरो डायग्राम आ गया तो क्या पोल जीरो डायग्राम मुझे बता सकता है कि ये सिस्टम स्टेबल और काजल होगा तो अब हमने इस दफा पोल जीरो डायग्राम को यूज करना है पोल जीरो डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं कि ये सिस्टम काजल है और ये सिस्टम स्टेबल है तो तो ये आइडिया है बिहाइंड ऑल दिस एक्सरसाइज टुडे ठीक है जी तो इसको देखिएगा जरा कोर्स

वो तो अगर आपको याद हो ना इधर ये 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 मैं इसको sum करूं तो ये less than infinity आ जाए इसे कहते हैं समेबल अगर ये एब्सोल्युटली okay. समेबल है एब्सोल्युटली समेबल देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इन दूसरा तरीका यह है कि जहरी बात है आता आहिस्ता तोहरी बात है ऐसे लोग एब्सोल्युटली समेबल हो सकते हैं लेकिन ऐसे लोग जो टाइम के साथ वो नहीं डाई yes, डाउन हो रहे तो फिर तो जहरी yes, बात है कि वो एब्सोल्युटली उठली समेबल नहीं हो सकते कन्वर्ज ही नहीं करेगा उनका सम तो वो स्टेबल नहीं हो सकता ठीक है लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज के टॉपिक में हम इस बात पे गौर करेंगे कि हम ये वाली नोटेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे काजल है ओके okay? तो ये आपने देखने आज तो लेटेस्ट लुक इन टू ए सिस्टम फंक्शन ये सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है किसी सिस्टम का सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है ये सिग्नल ये का नहीं है ये सिस्टम का है ये एच एफ जी है देखना फर्क याद रखें एक्स एफ जी वर्सेज एच एफ जी एच एफ जी जो होता है ये सिस्टम को बिलोंग करता है और एक्स एफ जी जो होता है ये सिग्नल को बिलोंग करता है तो ये मैं यहाँ पे जो आपको दे रहा हूँ ये एच एफ जी दे रहा हूँ तो ये, ये इसको देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है सिस्टम फंक्शन तो ये क्या है ये बेसिकली आपके पास है इंपल्स रिस्पॉन्स का फॉर एग्जाम्पल अगर एच ऑफ एन होता उसका आप जी ये देखें ना तो क्या बनता आपके पास सिस्टम फंक्शन बन जाता तो ये सिस्टम का है ये सिग्नल का नहीं है अब अब इसको देखें तो ये एक रैशनल फंक्शन है इसमें न्यूमिरेटर में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में एक पाली दिया हुआ है ये देख ये देख ये जो ये जो न्यूमिरेटर में पालीनामियल है ये पालीनामियल है इसको मैं लिखूं तो ये होगा पालीनामियल इन जी माइनस और ये डिनोमिनेटर ये देखे ना डिनोमिनेटर में जो पालीनामियल है इसमें भी अगर आप देखें तो ये एक सेकंड डिग्री का पालीनामियल है और ये भाईजान भी जी इनवर्स में है ये भी एक सेकंड डिग्री पॉलिनियल इन जी माइनस वन अब आमतौर पे हम जी माइनस वन के पॉलिनोम से इतने फेमिलियर नहीं होते या खतरा फील करते हैं हमारी तो कोशिश ये होती है कि जितना जल्दी हो सके ये पॉलिनॉमियल हम जी इनवर्स में ना हो यह पालनोमियल जी में आ जाए सो इन ऑर्डर टू मेक द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज पॉलीनोमियल इन जी हम क्या करते हैं जी स्क्वेर से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और z स्क्वायर पे डिवाइड भी कर देते हैं तो ये थोड़ी सी हमें ट्रिक खेलते हैं मैथमेटिकली ताकि हम इसको अह z में ले आएं क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो इस सारे फंक्शन की वो सेकेंड डिग्री है तो हम z स्क्वायर के साथ अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री अह z 3 होती तो हम z क्यूब के साथ करते तो हाईएस्ट डिग्री के साथ हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आप जहन में रखिए कि जब भी आपके पास इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करते हैं कि जी में ले जाए क्योंकि अगर आप उसको उसको इन पाली में डिस्क्राइब कर देंगे न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी तो पोल जीरो डायग्राम मालूम करना कदरे आसान हो जाता है मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कदरे आसान हो जाता है हो सकता है कुछ ऐसे चीते लोग भी हों जो जी इनवर्स को माइंड ना करते हों लेकिन मैं जर्नलाइज बात कर रहा हूं तो ये है कि Uh, बेहतर यह है कि z की uh, फॉर्म में आप पॉलिनामियल ले लेकिन यहां तो z की पावर माइनस वन में आप सब इसे एग्री करते हैं कि z माइनस वन में है है ना पॉलिनाल ये पाली फंक्शन है ये बड़े खास किस्म के लोग होते हैं पालीनोमियल क्योंकि पाली की एक खसूसियत होती है मैथमेटिक्स में कि इन ये इनफाइनाइटली कंटिन्यूस होते हैं डिफ्रेंशिएबल होते हैं इंटेग्रेबल होते हैं मतलब ये सारी जितनी खूबसूरती है ना कैलकुलस की वो इन लोगों में समाई हुई है इसलिए पालीनोमियल जो है ना बड़े मकबूल होते हैं बड़े बड़े पॉपुलर रहे हैं जब भी हमने कोई डिजाइन करना होता है तो हम हमेशा पालीनोमियल को स्टार्ट लेते हैं तो पालीनोमियल फंक्शन जो होते हैं बड़े बड़े पॉपुलर हैं मैथमेटिक्स के अंदर और बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग के अंदर जब मॉडलिंग की जाती है तो उसमें हम पालीनोमियल इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी अच्छा अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका प्लाट द पोल जीरो डायग्राम ऑफ एच ये देखें ना पोल जीरो डायग्राम प्लाट करना और दूसरा है क्वेश्चन फाइंड ए स्टेबल इम्पल्स रिस्पांस वो कहते हैं कि अब अब चूंकि आपने इम्पल्स रिस्पांस मालूम करना है तो जहरी बात है आपने एच को इन्वर्स करना होगा और अगर आप एच को इन्वर्स करते हो तो वो कहते हैं इन्वर्स करते वक्त एक बात का ख्याल रखना कि आर ओ सी ऐसा चूज करें कि जब ये इनवर्स हो के एच एफ एन आए तो ये एक स्टेबल इंपल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट करे अब मैं इसको दोबारा दो कर देता हूं ये क्वेश्चन को, को रिफ्रेश ये जो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसको जरा गौर से देखिएगा मैं ये कह रहा हूं कि आप एच एफ एन मालूम करेंगे ठीक है आप एच एफ एन मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे आप इनवर्स लेंगे और जब आप इनवर्स लेंगे तो इनवर्स के काम में क्या चीज आपको यूज करनी होगी वो होगा आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो वो ऐसा इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपकी चॉइस है कौन सा आर ओ सी चूज करते हैं आर ओ सी आप ऐसा चूज करें कि जब वो इनवर्स के इंपल्स रिस्पांस बने तो स्टेबल हो अब यहां पे स्मार्टनेस आएगी आपकी क्योंकि देयर वुड बी मैनी ROC आप चूज कर सकते हैं क्योंकि आर चूज करते वक्त सिर्फ एक कंडीशन है कि आर के अंदर पोल नहीं होता नो आर ओ सी कैन कंटेन पोल याद रखें प्रिंसिपल क्या है ये प्रिंसिपल है इन फॉर्मिंग इनफार्मिंग आर ओ सी मेक श्योर no pole inside ROC ROC के अंदर पोल नहीं आना चाहिए ऐसा आर ओ सी आप बनाएंगे क्योंकि अब आपकी चॉइस है आर ओ सी उसने नहीं दिया उसने कहा सिर्फ इनवर्स करो उसने आपको सिंपल एक एच एफ जी दे दिया आर ओ सी नहीं दिया आपको कह रहा है कि मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स दो लेकिन वो कह रहा है कि स्टेबल इम्पल्स जब उसने स्टेबल इम्पल्स रिस्पांस का जिक्र कर दिया तो अब आपको बड़ा केयरफुल होना है कि आप कौन सा आर चूज करेंगे कि जब आप उस आर के तहत उसको ओबे करते हुए अगर आप इन अख्तियार करेंगे तो क्या वो स्टेबल इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उस आर को ओबे ना करें तो आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स बने वो स्टेबल ना हो तो शर्त ये लगा दी इंपल्स रिस्पॉन्स मालूम करें लेकिन स्टेबल वाला थर्ड पार्ट है कि इंपल्स रिस्पांस मालूम करें, लेकिन काजल हो आपको बात समझ आ रही है ना कि इन दो पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट की वजह से इन दो कंडीशंस की वजह से स्मार्टनेस आ गई है क्वेश्चन के अंदर ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है इंपल्स रिस्पांस एग्जिस्ट क्या ऐसा इंपल्स रिस्पांस हो सकता है कि जो बहुत स्टेबल भी हो और काजल भी हो दोनों चीजें उसके अंदर हों स्टेबल भी हो और काजल भी हो क्या ऐसा मुमकिन है तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए पहले एवरीबॉडी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके जरा मुझे ये कंफर्म कर दे आपको क्वेश्चन चारों के चारों समझ आ गए तो जी सर समझ आ गया तो यहाँ पे आप सी वाला बता रहे थे ना कि यहाँ पे स्मार्टनेस है वो इफेक्ट करेंगे हाँ, मैं ये कह रहा हूं ना कि आपने तो इम्पल्स रिस्पांस अब उसने आपको क्वेश्चन में इंपल्स रिस्पांस नहीं दिया हुआ उसने क्वेश्चन में आपको सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है कैपिटल एच ऑफ जी अब कैपिटल एच ऑफ सी से आपने वापस आना है डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एच स्मॉल एच ऑफ एन वापस आते हुए एक रास्ता नहीं है देर आर मिलियन वेज इन विच यू कैन कम बैक तो आप उनमें से कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे वापस आने के लिए तो उसको क्लू देने के लिए उसने आपको बता दिया कि जब आप वापसी का रास्ता मालूम करना चाहें तो ऐसा रास्ता पकड़ें कि आप कहां पहुंचे आप एक स्टेबल स्टेबल इम्पल्स रिस्पॉन्स पे आ जाए और दूसरी बार ऐसा रास्ता पिक करें कि आप के पास काजल इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाए तो इसका मतलब है वापस आने के रास्ते बहुत सारे हैं बट यू गाट टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वन यूनिक रस्ता वो एक यूनिक वे होगा जो आपको उस पर्टिकुलर स्टेबल पे लेके आएगा एक और रास्ता होगा जो आपको काजल पे लेके आएगा अब फोर्थ में यह है कि क्या ऐसा रास्ता मालूम कर सकते हैं कि उसमें दोनों कंडीशन पूरी हो जाए इन वर्स करते वक्त क्या ऐसा रास्ता मालूम कर सकते हैं जब मैं कहता हूं रास्ता मालूम कर सकते हैं तो मेरा मतलब है कि ऐसा आर ओ सी मालूम कर सकते हो ऐसा आर बना सकते हो क्योंकि ये बनाना अब आपके हाथ में है आप लैब में बैठे हुए बना रहे हैं डबल रोटी बना रहे हैं ठीक है ब्रेड बना रहे हैं आप इस वक्त आप क्या ऐसा आर बना सकते हो कि वापस आते वक्त उसमें दोनों चीजें हो स्टेबल भी हो और काजल भी हो यु गाउस ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ अच्छा इसमें भी अच्छा पहला स्टेप देखें ना क्या है कि z स्क्वायर के साथ अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिया जब z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया एक z तो बाहर आ गया और ये फैक्टर बन गया ये देखें और नीचे वाले जो है ये देखें ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोम क्वाड्रेटिक पॉलिनोम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस दिन बनेगी जिस दिन मैं इसको ऐसे कर दूंगा पॉइंट एट जी माइनस पॉइंट एट फोर इक्वल टू जीरो जैसे मैंने इक्वल टू जीरो किया इसको अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना जरूरी है अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब देखे ना फर्क देखे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम एनीवे अब ये क्वाड्रेटिक है तो ऑफकोर्स इसके फैक्टर बन सकते हैं तो ये जो फैक्टर में क्या आएगा एक z प्लस पाई वन जी प्लस में रूट्स आए हुए हैं ये क्या होंगे और जो न्यूमिनेटर में ये, ये आए हुए हैं ये ये जीरोस होंगे तो न्यूमिरेटर में जो रूट्स बनते हैं उनको जीरोस कहते हैं और डिनोमिनेटर में जो रूट्स बनते हैं उनको पोल्स कहते हैं तो जब भी आपके पास आ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आप उसको फैक्टराइज कर लें उसके फैक्टर मालूम करें और क्वाड्रेटिक के आम आमतौर पे दो फैक्टर बनते हैं ठीक है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री है और ये कैलकुलस का एक लॉ है कि जो पालील जिस पार्टिकुलर पावर की होती है उतने उसके रूट्स बनते हैं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे और दोनों फैक्टर से आपके पास दो रूट्स आएंगे तो ये आपको रूट्स जो आपको पोल और जीरो डायग्राम की समझ आ गई है सब लोगों को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन पोल्स एंड जीरोस एवरीबॉडी क्लियर हो गया आपको कि पोल्स और जीरो में क्या फर्क है जी यस सर क्लियर नाउ गुड तो वन शिफ्ट कर देंगे यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंदर थोड़ा सा uh, दोबारा इसको सुन लिया करें एहतियात से पोल्स का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो रूट्स हैं हर पोलिनोम जो है अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक थी हमने उसको फैक्टर कर लिया तो हर फैक्टर से एक रूट निकलेगा तो जो रूट डिनोमिनेटर के हैं वो, वो पोल्स हैं yes, और जो न्यूमिनेटर के रूट्स हैं वो हैं जीरोस यस सर ठीक हो गया थैंक यू सर Yes, welcome. So, अब चलते हैं अगले की तरफ ठीक है अब अब हमने दूसरा है पार्ट स्टेबल करना है तो इनवर्स लेंगे अच्छा स्टेबल के लिए क्या जरूरी है अब आप देख लें आर ओस के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पोल जीरो डायग्राम को यूज करके वी विल यूज पोल जीरो डायग्राम टू तो फाइंड वेदर गिवन सिस्टम इज स्टेबल और नॉट अब देखें हमने क्या यूज करना है यहां पर पोल जीरोग्राम को पो यूज करना है तो अब हम पोल जीरो डायग्राम को यूज करते हैं तो स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि आर ओ सी शुड कंटेन यूनिट सर्कल अगर आर ओ सी के अंदर यूनिट सर्कल मौजूद है तो इस आर को जब आप इनवर्स के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो इंपल्स रिस्पॉन्स बनेगा इनवर्स के बाद जो जवाब आएगा वो जवाब जो एच एन जिससे बनेगा वो क्या होगा स्टेबल होगा अब आपको बात समझ आ गई अब अगर आपने काजल ढूंढना है तो कहते हैं ऐसा आर ढूंढो कि वो आर क्या हो वो राइट साइडेड हो अगर आपका आर ओ सी राइट साइडेड है और ऐसे आर ओ सी को इस्तेमाल करके एक राइट साइडेड आर ओ सी को इस्तेमाल करके आपने इनवर्स का प्रोसेस किया तो आपके पास जो स्मॉल एच एफ एन बनेगा जो इम्पल्स सीक्वेंस बनेगा इम्पल्स रिस्पांस सीक्वेंस बनेगा उसमें ऑटोमेटिकली कॉजिलिटी इम्बेड हो जाएगी उसके अंदर पड़ी होगी काजलिटी वो काजल ही होगा अब आपको समझ आ गई इसका मतलब है कि stability और अगर आर ओ सी के अंदर यूनिट सर्कल मौजूद है तो स्टेबल होगा और अगर आर ओ सी राइट साइडेड है तो वो क्या कर देगा आपको काजल सीक्वेंस बना के देगा जब आप इनवर्स का प्रोसेस करेंगे तो इनवर्स का प्रोसेस करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना क्लियर टू एवरी बॉडी सर so, क्वेश्चन है जी जी सर जो आर होगा हमारा क्या उसमें ये दोनों स्पेक्स होंगे कि स्टेबल भी होगा कैजुअल भी होगा अगर हम कौन यूनिट सर्कल भी इसके अंदर और राइट साइडेड भी हो फॉर एवरी मतलब आ, ये स्टेबल हो मतलब के आर वही हो होगा

उसके बाद क्या किया हमने डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा लिया याद है आपको अगर आपने प्यार से FAC किया हुआ है, तो आपको याद होगा अगर जबरदस्ती किया है तो याद नहीं होगा याद है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई है मतलब है इससे ना बहुत सारी चीजें देख के मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ जिस तरह वो लिटमस टेस्ट में होता है कि एसिड है या अल्कली है तो मैं इवन एग्जाम के अंदर भी या वाईवे के अंदर मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये इस बंदे ने सेवंथ क्लास में मसला था इसकी मैं पता रूट बता सकता हूँ उसकी वो कहाँ है वो उसके अंदर जो बीमारी है वो कहां से आई है तो ये ये बेसिकली है एफ एस सी अच्छी तरीके से किया हुआ है तो कॉर्ड्रेटिक फार्मूले का चीता होता है वो बंदा जिसने एफ खुद मजे से की होती है वो कॉर्डेटिक से नहीं घबराता

लेकिन इसके जरिए ये जो है ना आपको बड़े आराम से तो ये दो फैक्टर बन गए z प्लस वन पॉइंट फोर ये देखिए माइनस वन पॉइंट फोर था प्लस एंड z माइनस पॉइंट सिक्स ये दोनों आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन गए आपको न्यूमिरेटर को फैक्टराइज़ करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अब अगर हम आगे चलें या आगे अब इसमें आप जरा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि अब हमने यहां पे फैक्टर बना लिए और जब फैक्टर बन गए हमारे पास पोल जीरो डायग्राम बड़े आराम से आ जाएगा इस जीरो की वजह से एक जीरो पड़ा हुआ है ये 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 सेंटर पे, देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ और इस फैक्टर की वजह से एक जीरो पैदा होगा और ये जीरो कहाँ पैदा होगा माइनस पॉइंट टू फाइव पे और माइनस पॉइंट टू फाइव ये पड़ा हुआ है तो ये ये वाला भाईजान ये देखो ये मैंने आपको स्नेक बना के दे दिए ये देखे ये ये जीरो पड़ा हुआ है जीरो को आमतौर तो पे हम एम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अच्छा अब यहां देखें अब डिनोमिनेटर में जा रहा हूं ये जो रूट आ रहा है ये आ रहा है z माइनस फोर पे तो ये क्या बना रहा है पोल बना रहा है z वन माइनस वन ये ये पड़ा हुआ है तो इसकी वजह से ये पड़ा हुआ है ये देखें और अगर मैं कलर चेंज कर लू और इसको लेके आओ ये वाला ये ये पढ़ाओ ये जो ये जो सर्कल लगाया गया है ये यूनिट सर्कल है यूनिट सर्कल क्यों क्योंकि इसका रेडियस वन है ये क्या है दिस इज यूनिट सर्कल क्यों इसका रेडियस वन है।, है ना इसका रेडियस वन और ये क्या है जी प्लेन है ये सारा का सारा जी प्लेन है ये जी प्लेन है सारा ये पड़ा हुआ ये जी प्लेन दैट इज जी प्लेन अच्छा अब अब देखते जाए आप अगर आप गौर करें तो जीरोस और पोल्स ये तीन के तीन तो अंदर है यूनिट सर्कल के अंदर एक पोल यूनिट सर्कल से बाहर है बस ये याद रखना एक पोल यूनिट सर्कल से बाहर आ गया तो जो चीज जो पोल अब मैं पोल की बात कर रहा हूं जीरो की बात नहीं कर रहा हूं जो पोल यूनिट सर्कल से बाहर आ जाता है वो खतरनाक हो जाता है अब वो क्यों खतरनाक होता है ये हम थोड़ी देर में बताएंगे लेकिन फिलहाल अपने पास ये बांध लो कि जो पोल यूनिट सर्कल से बाहर आ जाता है वो खतरनाक होता है अगर पोल जीरो को इग्नोर कर दें पोल अगर यू सारे के सारे यूनिट सर्कल के अंदर हो तो वो एक स्टेबल सिस्टम को जन्म देते हैं दे डिजाइन ए स्टेबल सिस्टम ठीक है क्योंकि है मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ क्लियर हो गया आपको ये पोर जीरो आप प्लॉट कर लोगे ना आंखें बंद करके भी कर लोगे आप है ना नहीं। नहीं। हाँ, बड़े आराम से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है उसके जरिए रूट्स फाइंड करने है, और है हैं, हैं और देखने हैं कि ये रूट के मुताबिक और उसके अंदर आपने जो पोल्स हैं उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है और जो जीरो हैं उनको एम टी सर्कल से रिप्रेजेंट कर देना सिंपल काम है ये पोल जीरो डायग्राम बन गया आपका ओके okay? yes,

इनवर्सफार्म okay? so, मुझे इस सारी चीज का ये जो पड़ी हुई है इसका इनवर्स लेना पड़ेगा इनवर्स जी ट्रांसफार्म लेना पड़ेगा इनवर्स जी ट्रांसफार्म अच्छा अब अगर आप इसको गौर से देखें इस, इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो फैक्टर्स हैं जो डिनोमिनेटर में पड़े हुए हैं तो अब अगर हम इसको इनवर्स करना चाहें तो सबसे आसान तरीका यह है कि ये फैक्टर्स की वजह से हम इसका पार्शल फ्रैक्शन कर सकते हैं अब मैं आपको बैक टू एफ एस सी दोबारा ले जा रहा हूं पार्शल फ्रैक्शन एक्सपेंशन याद है याद है yes, याद yes, इसलिए क्या रहूं? अगर एफ एस सी से प्यार किया था तो याद होगा नहीं किया तो फिर याद नहीं होगा ये बातें सारी प्यार की हैं पार्शल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ये देखें पार्शल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ये ये हो गई है इसको देखिए जरा गौर से हर लीनियर फैक्टर का हमने एक फ्रैक्शन बना लिया है ये देखें ये वन प्लस वन पॉइंट फोर जी वन ये आ गया यहां बीच में प्लस का साइन डाल दिया है ये देखो उसके बाद नया फैक्टर ये ये भी एक लीनियर फैक्टर है और इसके लिए भी ये ये दो फ्रैक्शन ऐड करा दिए ए बाय माइनस वन पॉइंट फोर जी माइनस वन दूसरा भी अब हमने क्या करना है इसका मतलब है कि ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो इसके बराबर आ गई माई पॉइंट आपको ये चीज समझ में आई कि ये अब सारी, जी मैं ये करने लगा हूं में समझ आ गया। अब नहीं नहीं आपको कहा समझ में आया नहीं समझ में आया अभी मैं जो बता रहा हूं उसके बाद बताइएगा और एक मेरा ये भी मानना है ठीक है कि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता तो आपने एफ में जिससे पढ़ा है उसने कभी भी आपको ऐसे नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है ना तो मैं बहुत ज्यादा फखर करता हूँ अपने आप के ऊपर ठीक है so very proud person. तो तो आई एम वेरी प्राउड पर्सन मैं अभी आपको जो बता रहा हूं उसको देखें आप उसको तो तो आप और से देखो ये मैं यहाँ पे थ्री इक्वल का निशान लगा रहा हूं ये देख लो डबल इक्वल नहीं लगा रहा हूँ थ्री इक्वल लगा रहा हूं जब ये थ्री इक्वल लगती है इसका मतलब होता है आइडेंटिकल अब इसके आगे मैं लिख रहा हूं ये देखें एवर वन प्लस वन पॉइंट फोर जी माइनस वन फिर प्लस 1, देख लिया मैंने इक्वल निशान क्यों नहीं लगाया यहां पे? मैंने इक्वेलेंट निशान आइडेंटिकल निशान क्यों लगाया यहां पे? ये यह है आइडेंटिकल ये इक्वल नहीं है आइडेंटिकल आप बताएं ये आइडेंटिकल क्यों है आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी किसी आर ओ सी की जरूरत नहीं है आपको समझ आ गई बात एवरीबॉडी वो कहा है मैडम जो कह रही थी मैंने एफ एस सी में सीखा है मैम वो कौन सी थी जी सर लेकिन हमने तो भी नहीं हाँ तो मैं आपको बता रहा हूं ना मैं मैं यही तो आपको बता रहा हूँ सीख पता था कि ये दोनों हाँ तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अगर आइडेंटिटी में आइडेंटिटी में और इक्वेशन में फर्क है आप कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अगर मैं आपसे कहूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो क्या फर्क है इक्वेशन में ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल लेकिन अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड हैंड साइड साइड इज इक्वल टू राइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल फिर उसे हम कहते हैं ये आइडेंटिटी बन गई है अब लेफ्ट हैंड साइड बिकम आइडेंटिकल टू राइट हैंड साइड क्लियर हो गया क्लियर हो गया हेलो हेलो चलो होपफुली तो अब हाँ तो इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये आइडेंटिटी डिक्लेयर कर देता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है आइडेंटिकल है तो ये थ्री का निशान लगा देते हैं ये देखें तो अब आ गया अब आपने ए फाइंड करना है बी फाइंड करना है अब माशाल्लाह आपने पार्शियल फ्रैक्शन तो किया हुआ है ठीक है अच्छा अब आपने गौर करना है कि इसका आर कैसे बनाए इनवर्स करते वक्त आपने जब पोल डायग्राम बना लेते हैं तो केयर करते हैं पोल्स की तो आप देखना कि हम जीरो को इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त तो आर बनाते वक्त हम पोल्स की केयर करते हैं हमारा क्या रूल था कि आर ये अंदर आर के अंदर पोल नहीं आ सकता इसका मतलब है कि आर कैन नॉट कैन नॉट कंटेन पोल तो ये ये बहुत बड़ा वायलेशन है कि अगर ROC के अंदर पोल आ गया तो अब आप देखते जहां गौर से अगर हम चाहें तो एक बना सकते हैं हम अपना आर ओ सी जी ग्रेटर देन माइनस वन पॉइंट फोर अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा मेरा जो रीजन बनेगा ये देखें ये रीजन बनेगा ना अब इस रीजन के अंदर क्या आ गया है है ये जा रहा ये सारा रीजन आ गया ना जी ग्रेटर देन माइनस वन ओवर फोर ठीक है तो इसमें तो ये पोल आ गया है इसलिए मैं इस रीजन को तो नहीं ले सकता हूं आपको समझ आई बात अब हम दूसरा रीजन अब इस पोल के साथ अगर मैं करूं जी लेस देन अगर ये वाला बनाऊं रीजन तो क्या आ जाएगा ये जी ये वाला है ना तो इससे बाहर वाला जो रीजन है ये सारा रीजन जो है ये देख रहे हैं अब ये भी मसला है ठीक है तो सबसे जो आपको रीजनेबल है कि इन दो पोल्स के दरमियान वाला एनलस रीजन ले लें इन दोनों पोल के दरमियान का रीजन उठा लें ये देख रहे हैं आप ये जो रीजन ये ये वाला ये देखें ये वाला ये इन दो पोल के दरमियान है ये देखें ये देख क्योंकि इस रीजन में इस रीजन में मजे की बात यह है कि माइनस वन पॉइंट फोर भी अवॉइड हो रहा है और पॉइंट सिक्स भी अवॉइड हो रहा है पॉइंट सिक्स से बड़ा है ये देखें ये पॉइंट सिक्स से बड़ा रीजन और वन पॉइंट फोर से छोटा इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में तो ये एनालस रीजन बन गया ये देख रहे हैं एनालस रीजन बन रहा है बिल्कुल रिंग टाइप बन रहा है ठीक है रिंग टाइप रीजन बन गया ये है रीजन पॉइंट सिक्स से बड़ा और 1.4 से छोटा अब बात समझ आ गई। इसमें, इस रीजन में आप कोई पोल नहीं है यू डोंट एनी पोल ठीक है तो इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर ली है ये ये जी माड में ये में, नहीं होता माइनस नहीं होता ये ये, ये वन, ये, वन, ये हमेशा, क्योंकि ये, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है रेडियस में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो ये हमेशा होता है ठीक है तो ये एक नेचुरल हमारे आर हमारी सी ये देखें ये हमने कैसे बनाया कि ये इसमें ये पोल भी अवॉइड कर दिया ये वाला भी पोल था इसको भी अवॉइड कर दिया ये 1.4 वाले पोल को भी अवॉइड कर दिया तो दरम्यान में क्या आ गया एनालिस क्लियर सही क्वेश्चन है पोल पड़े हुए थे ना 0.6 पे पोल पड़ा हुआ है और -1.4 पे पड़ा हुआ है तो -1.4 पे जो सर्कल बन रहा है वो है z mod 1.4 ये जो सर्कल बना हुआ है ये बाहर वाला ये है z mod 1.4 ये जो अंदर वाला सर्कल पड़ा हुआ है ये ये है z mod 0.6 तो मैंने बाहर वाले सर्कल को भी अवॉइड कर लिया अंदर वाले को भी अवॉइड कर लिया क्योंकि अगर मैं इसको अवॉइड नहीं करता हूं तो माइनस -1.4 से टकरा जाऊंगा और अगर इससे अवॉइड नहीं करता हूं तो 0.6 से टकरा जाऊंगा तो मैंने तो आरओसी ऐसा चूज करना है कि उसमें कोई पोल भी ना आए तो उसके लिए मेरे पास जो स्मार्ट चॉइस यही है कि मैं बीच वाला रीजन ले लूं तो वो बीच वाला रीजन मेरे पास ये आ गया थैंक यू सर जी ये बीच वाला रीजन है ये देखें ना ये मैंने ये एडाप्ट किया ये इसलिए yes, मेरे पास क्या आ गया आरओसी की चॉइस आ अब आगे क्या करना है आगे मैंने क्या किया मैंने पार्शियल फ्रिक्शन वाला जो मेथड है वो अख्तियार किया और मैंने ए फाइंड कर लिया ए के लिए क्या करते हैं कि आप पे z इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर ले लेंगे जब z इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर लेंगे तो b डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके पास a आ जाएगा तो a की वैल्यूज आ जाएंगी और अगर आप a की वैल्यूज निकालें <laughs> तो इसमें अगर आप ए की वैल्यूज निकालें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट फाइव सेवन फाइव फ्रैक्शन वाला मेथड है तो ये आपकी चॉइस है जिस तरह आप करना इस तरह बी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जी को क्या करना पड़ेगा आपको पॉइंट सिक्स दे दें जी को पॉइंट सिक्स दे देंगे तो ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपके पास सिर्फ बी रह जाएगा इक्वेशन के अंदर और फिर उससे वैल्यू आ जाएगी बी की से। तो ये partial fraction है, अगर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस आ जाएगी अगर आपको रिकॉल करना है ठीक तो, है मुझे कुछ रिकॉल करनी होती है मैं यूट्यूब पे जाता हूँ उनको डालता हूँ और उस पर कोई एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ देख लेता हूँ रिकॉल हो जाता है सारा

और टर्म्स में एडिशन होता है दिस टर्म प्लस दिस टर्म तो ये दो टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया आपने ये जो फैक्टर्स थे इनको आपने टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया अब आपके पास एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई। और आपके पास आर क्या बन गया था याद रखियेगा अच्छा अगर मैं इसको इसको देखूं इसको देखूं। ये सिर्फ इस फैक्टर को देखिएगा ये जो मैं इसको इस पहले ट्रम्प को देखिए इस ट्रम्प को जिसको मैं येलो कर रहा हूं इसको देखे और तो ये फीलिंग आएगी कि इसमें पोल जो पड़ा हुआ है वो इस ये पोल पड़ा हुआ है z तो, तो अगर मैंने इस पार्टिकुलर रीजन को ओबे करना है इसका मतलब है कि मैंने z इसका जो आर ओ सी मैंने क्या रखना है इस येलो वाले का इसका रखना है कि ठीक है और अगर ये दूसरा जो है मैं इसको ग्रीन कर देता हूं इस टर्म ने भी अगर इसी आरओसी को ओबे करना है तो इसने रखना है क्योंकि इसके अंदर तो 0.6 है ये वाला है तो मैंने रखना है कि z mod इज ग्रेटर देन 0.6 इसका आरओसी इस टर्म का आरओसी आएगा z ग्रेटर देन 0.6 इस टर्म का आएगा z mod लेस देन 1.4 तब जाके ये वाला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा याद है ना इन दोनों की इंटरसेक्शन से ये मार लेस देन पॉइंट फोर इंटरसेक्टेड वे क्योंकि रीजन है तो मैं इंटरसेक्शन कर सकता हूं जी मार ग्रेटर इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास रीजन जी इज ग्रेटर लेस देन वन पॉइंट फोर ये जो रीजन आया है ये इंटरसेक्शन से आया है तो so, तो so, okay. so, मैंने इसको ब्रेक करना है दो रीजन में ताकि उनका इंटरसेक्शन मेरे पास ये रीजन आ जाए अब आपको क्लियर हुआ आप सब लोगों को? Everybody? Yes, sir. Yes, sir, Everybody. Yes, sir, हो गया कि ये ये कैसे मैंने हर टर्म का अपना आर कैसे फाइंड किया मैंने ओवरऑल आर को ब्रेक करके दो आर क्रिएट किए सच दैट कि इंटरसेक्शन ओरिजिनल आर के बराबर हो तो उसकी बेसिस पे मैंने इसका भी आर मालूम कर लिया इसका भी आर और इसका भी आर ओ सी फाइन कर लिया क्लियर अब आगे चलते हैं अब टेबल की तरफ चले गए अब टेबल में जी ट्रांसफॉर्म के टेबल में ये दिया हुआ है जी ट्रांसफार्म के टेबल में ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास जी मार्ट ग्रेटर देन ए हो आपको याद है ना कि एक जो है वो ग्रेटर देन ए है एक है आपका एक ट्रम का है से बड़ा ठीक तो है तो ये ग्रेटर जो बड़ी चीज होती है उसे क्या बनता है उसे right -handed causal sequence बनता है जब आप इनवर्स लेंगे ना जब आप इनवर्स लेंगे तो टेबल कहता है कि उसमें आपके पास ये बनेगा ये देखें 8 फॉर एन यू एफ एन अब यूएफएन क्या है ये राइट हैंडेड स्टेप फंक्शन है स्टेप फंक्शन ये है step, step sequence है ये स्टेप सीक्वेंस है और ये राइट हैंडेड स्टेप सीक्वेंस है क्योंकि u of n क्रिएट ही जीरो के पास होता है ये पहले सोया तो होता है जीरो के ऊपर ये चार्ज आता है ये देखें ये और दूसरे का देखें जिसमें हमने कहा था कि z mod is less than a उस केस में क्या आता है कि z mod is less than 1.4 इसमें a क्या है 1.4 हो गया उस केस में अगर आप टेबल में एंट्री देखें तो आपके पास जो सीक्वेंस आता है वो उसी सेम सेम एक्स ऑफ जी का क्योंकि आर चेंज हो गया है तो हमारे पास इनवर्स कंप्लीटली चेंज हो गया हमारे इनवर्स में क्या आ गया एंटी कॉजल सीक्वेंस आ गया क्यों ये जो यू एन है यू ऑफ माइनस एन माइनस वन ये आपके लेफ्ट हैंड पे चला जाएगा फ्लिप हो जाएगा ना क्या फर्क है यू ऑफ एन में और यू ऑफ माइनस एन माइनस वन ये इसका फ्लिप वर्जन है ना जो कि वन स्टार्ट माइनस से स्टार्ट होगा और वन पे आके रुक जाएगा माइनस वन पे आके रुक जाएगा तो ये जो है सीक्वेंस ये एंटी कॉजल बना देगा आपको ये एंटी कॉजल क्योंकि लेफ्ट में चला गया है लेफ्ट में जो चीज चली जाती है वो एंटी कॉजल हो जाती है तो ये एंटी कॉजल हो जाएगा तो दो टर्म्स हैं आपके पास एक टर्म आपको ये वाली टर्म जो है ये आपको इनवर्स के बाद कॉजल सीक्वेंस देगी और ये वाली ट्रम जो है ये वाली ये इन वर्ष के बाद आपको देगी एंटी कॉजल एंटी कॉजल बना दो बात समझ में आ गई एवरी बड़ी क्लियर यस सर अब ये देखें yes, ये देखें ये एंटी कॉजल और ये काजल ये आपको बन गया और ये आपके पास आ गई ये सीक्वेंस आ गई आपकी एंटीकॉजल एंड कॉजल ये आपके पास बन गया अब आप देखें इसको ये तो स्केलिंग फैक्टर था ना बेसिकली आपके पास ये जो पॉइंट फाइव सेवन जो ए की वैल्यू थी ये तो स्केलिंग फैक्टर है और ये भी स्केलिंग है तो ये स्केल वैसे के वैसे आ गए और इनका हमने इनवर्स फाइंड कर लिया ये देखिए ये एंटी काजल है ये पार्ट और ये काजल दोनों पार्ट्स पड़े हुए हैं एंटी काजल भी काजल भी लेकिन ये एच एन क्या है ये स्टेबल है क्यों स्टेबल है क्योंकि जो इसका आर ओ सी है ये देखिए इसका आर ओ सी क्या है ये इसके अंदर यूनिट सर्कल पड़ा हुआ है ना इट कंटेन्स यूनिट सर्कल इट कंटेन्स यूनिट सर्कल ये ये यूनिट सर्कल को कंटेन कर रहा है ना ये देखे ये रीजन है ना आर ओ सी ये देखे ये जो रिंग टाइप है और इस रिंग में वन पड़ा हुआ है तो अगर आर ओ सी के अंदर यूनिट सर्कल पड़ा होगा तो उस वो सिस्टम स्टेबल होगा तो ये स्टेबल तो है लेकिन काजल नहीं है क्योंकि इसमें काजल है ये देख रहे हैं ये पार्ट ये पार्ट एंटी काजल आ गया ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है ओके अब हम ढूंढते हैं कि काजल कैसे बनाए इनवर्स करते वक्त आर ओ सी कैसा हो कि काजल हो जाए अब उसके लिए जरूरी है कि अगर आपने काजल ढूंढना है सिंपल तो आपको जी का मार्ड किसी भी पोल से ग्रेटर देन करना होगा काजल के लिए शर्त यह है कि आपका आर ओ सी में ऐसा होगा कि जी का मार्ड

1.4 कर लेता हूं हाँ ये करता हूं तो इस केस में पॉइंट सिक्स नहीं आ रहा इसके अंदर तो z ग्रेटर वाला मुझे आर ओसी चूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट ए काजल एच एफ एन तो काजलच एन के लिए जरूरी है कि मेरा आर ओ सी ये वाला हो ये आपको बात समझ में आ गई सबको एवरीबॉडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये करंटली रिपीट कर दें जिसमें z ग्रेटर देन 0.6 वाला हम नहीं ले रहे जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपको कहा जाए कि काजल सीक्वेंस आपने बनाना है इनवर्स करके इफ समबडी आस्क यू कि आप इनवर्स z ट्रांसफॉर्म करें लेकिन काजल आउटपुट दें मुझे काजल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दें तो आपके लिए चॉइस सिर्फ ये है कि आप आर ओ सी जो है वो z मार्ट को ग्रेटर देन a करना होगा आपको अब a क्या चूज करेंगे a होगा कोई पोल अगर आपने 0.6 वाला पोल उठा लिया तो ये z 0.6 जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इस केस में z इक्वल टू माइनस वन वाला पोल इस आर ओ सी के अंदर आ जाएगा देखें ना अगर मैं मैं करता हूँ ये पॉइंट सिक्स है और ये पड़ा हुआ है माइनस वन पॉइंट फोर तो 0.6 वाले सर्कल से बाहर जैसे ही मैं जाऊंगा ये रीजन इसमें ऑटोमेटिकली -1.4 आ जाएगा लेकिन मुझे पता है कि z -1/4 अलाउड नहीं है कि ROC में हो इट इज नॉट अलाउड इसे वायलेशन डिफाइन ही नहीं है ROC अगर आप डिफाइन करोगे तो उसके अंदर पोल नहीं होना चाहिए तो वो तो 1.4 तो इसके अंदर आ गया इसलिए इसको नहीं ले सकते हाँ, दूसरा मैं ये कर सकता हूं कि 1.4 कर लूं दूसरी चॉइस मेरे पास ये है अगर मैं ये चॉइस करता हूं तो फिर मैं इन दोनों पोल्स को अवॉइड कर लेता हूं। कर लेता हूं ना तो उस केस में मैं हमारे पास चॉइस ये है कि हम ये वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं जी greater than 1.4 इसको यूज करते हुए हुए मैंने अब इनवर्स लेना है आपको बात समझ में आ गई जी सर अब क्लियर हो गया ये देखिए अब ये दोनों जो है ये दोनों फैक्टर्स ये वाला टर्म भी और ये वाली टर्म भी मैंने इस पार्टिकुलर आर ओ सी के तहत इनवर्स करानी है जब मैं इसको इनवर्स करूंगा तो ये आएगा राइट हैंड सीक्वेंस ये देखें टेबल में जाएंगे आपके पास ये सीक्वेंस आ गया और अगर ये वाली टर्म कराएंगे तो आपके पास ये राइट हैंड सीक्वेंस अब दोनों राइट हैंड हैंड सीक्वेंस हैं अब चूंकि दोनों राइट हैंड सीक्वेंस हैं एच एफ एन क्या है काजल है क्योंकि एच एफ एन को तो काजल होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि ये right हो. ये राइट राइट सीक्वेंस सीक्वेंस हो क्योंकि राइट हैंड सीक्वेंस हमें चाहिए तो हमारे पास आ रहा है ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है ठीक है तो दैट्स हाउ अब अब हमने इसको काजल तो बना लिया लेकिन अगर आप इस ट्रम्प पे गौर ये ये ये, ये तो इसमें जब एन बढ़ेगा तो इसका मतलब है ये काजल तो हमने बना दिया जबरदस्ती से लेकिन अब ये क्या हो गया अनस्टेबल हो गया ये एच एफ एन अनस्टेबल है ये ग्रो करना शुरू कर देगा ये देखें ये ग्रो करना शुरू कर देगा इसकी ऑसिलेशन ग्रो करेंगी तो बेसिकली हम जब स्टेबल कर रहे थे तो एंटी काजल पैदा हो रहा था जब हमने काजल बनाने की कोशिश की तो वो अनस्टेबल हो गया आपको समझ आएगा अनस्टेबल कैसे हुआ है वो जो ट्रम है 1.4 ये देखें ये 1.4 जो ट्रम्प पड़ी हुई है ये वाली ये इसकी पावर एन है क्योंकि ये 1.4 1 वन से बड़ा है तो जितना ज्यादा एन बढ़ता जाएगा इसका एक्सपोनेंट ग्रो करना शुरू कर देगा ये ये आपको अनस्टेबल कर देगा आपके एच को लेकिन हम केयर नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि काजल बनाओ चाहे वो अनस्टेबल हो जाए बात समझ आ गई आपके गुड yes, अब अगले पे जाते हैं yes, जी जी अब क्वेश्चन ये है कि क्या डज ए काजल एंड स्टेबल दोनों आ सकते हैं अब काजल के लिए क्या जरूरी है आपको याद है आर क्या होना चाहिए काजल के लिए और स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए ठीक है स्टेबल के लिए हमने कहा था कि आर के अंदर यूनिट सर्कल आ जाए यही था ना यस अगर आप और से देखें तो मैं यूनिट सर्कल कैसे लेके आऊंगा यूनिट सर्कल मैं एक ही सूरत में ला सकता हूं कि इस पोल से पीछे और इस पोल से आगे वाला आर बनाऊं है ना ऐसा बनाऊ ना अगर मैं z yes, बनाऊं जो एक पोल से शुरू हो और दूसरे पोल पे खत्म हो तो फिर तो ठीक है देन देन इट मेक्स सेंस कि ये स्टेबल होगा लेकिन अब दूसरा केस है काजल बनाओ काजल के लिए मुझे z को ग्रेटर देन करना पड़ेगा लेकिन मैं तो यहाँ ग्रेटर देन नहीं कर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं तो इसको स्मॉल कर रहा हूँ। z इज लेस देन 1 ओवर 4 तो ये ये वाला जो है ना ये 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 1.4 मसला कर रहा है क्लीन करता हूं ये वाला पोल मसला कर रहा है इस पोल की वजह से मुझे बहुत बड़ा मसला है ठीक है मेरा बड़ा मसला ये है कि दिस पोल इज मेकिंग प्रॉब्लम फॉर मी ये जो बाहर पड़ा हुआ है मैं इससे कहते खतरनाक है दिस पोल इज मेकिंग प्रॉब्लम फॉर क्योंकि ये यूनिट सर्कल से बाहर है अगर किसी वजह से इसको पुश करके हम अंदर ले आए इसके अंदर ले आए और यहां आ जाए ये वाला फिर तो आसानी है फिर तो मैं क्या करूंगा ये चेंज करके इक्वल टू पॉइंट एट पर लिया फिर मैं बड़े आराम से अपना रीजन ऑफ कन्वर्जन कहूंगा जी ग्रेटर को करूंगा क्या हो जाएगा अब आप, आप आप देख सकते हो बड़े आराम से जैसे मैं ये, ये आर ओ सी करूंगा दोनों कंडीशन पूरी हो गई यूनिट सर्कल भी आ गया बीच में और दोनों पोल भी 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 अवॉइड हो हो गए इसलिए उसके अंदर क्या आ गया गया वो काजल भी हो गया और स्टेबल भी। लेकिन जब तक ये यूनिट सर्कल से बाहर पड़ा हुआ है ये खतरनाक है मैं इससे दोनों कंडीशन इकट्ठे पूरी नहीं कर सकता तो पॉइंट आपको समझ आ गया ये चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अंडरस्टैंड करने का और मेरा फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है ये मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा आपसे सिर्फ तो फिर एक बार रिपीट कर दे नाल नहीं नहीं ये तो जब मैंने कह दिया कि ये वाइवा का क्वेश्चन है अब तो मैं रिपीट नहीं करूंगा अब आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है? तो तो है ताकि अंदर ले आओ ना यूनिट सर्कल के अंदर यूनिट सर्कल के अंदर हाँ पॉइंट नाइन ले लें सिर्फ आपने उसको धक्का दे के यूनिट सर्कल के अंदर लेके आना है यूनिट सर्कल है z z mod mod यूनिट सर्कल है उसके अंदर लेके आए ना हाँ z point nine five ले ले कुछ भी ले सकती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको अंदर लाना जरूरी है जब तक ये बाहर आए ये खतरनाक है क्योंकि अगर ये बाहर है तो मैं काजल और स्टेबल इकट्ठे नहीं कर सकता या वो काजल बनाऊंगा या स्टेबल बनाऊंगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो काजल और स्टेबल दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हो जब मैं इन्वर्स करूं तो फिर आपको इसको पुश करके अंदर लाना होगा पॉइंट गुड yes, अच्छा इसके बाद एक और एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल मैंने सिंपल आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखी हुई है तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको एक बार गौर से देख लें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये समरी है बेसिकली वो सारा जो हमने किया है अभी तक आपको बताया कि इनवर्स जी ट्रांसफार्म कैसे लेते हैं ठीक है सो मेन पॉइंट आज के लेक्चर के ये है कि इफ ए सिग्नल इज नोन टू बी काजल इफ द सिग्नल इज नोन टू बी काजल जी, एक्सक्यूज़ हाँ बाई जान मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं अगर ठीक है मैं थोड़ी देर में आप कॉल करता हूँ जी तो ये है, इफ़ द सिग्नल इज नोन टू बी बल ऑलवेज चूज द राइट हैंड इनवर्स याद है ना अभी मैंने आपको बताया है, राइट हैंड के लिए क्या है ग्रेटर देन ए करना होगा ए क्या है पोल है पोल. अगर सिस्टम को सिग्नल को स्टेबल आपने लेके आना है इनवर्स करते हुए आपने एम करना है कि जो इनवर्स के बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पैदा हो तो वो स्टेबल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको आर ओ सी ऐसा बनाएंगे मस्ट इंक्लूड द यूनिट सर्कल अब यूनिट सर्कल क्या है यूनिट सर्कल ये क्या है आपको ये करना पड़ेगा इसको आर का हिस्सा बनाना पड़ेगा इस चीज को ये है यूनिट सर्कल इंक्लूडेड ये यूनिट सर्कल तब आके स्टेबिलिटी में क्लियर क्लियर हो गया सबको एवरीबॉडी यस yes, yes, जी जी तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर ठीक है अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए